वेलकम टू फिन स्ट्रीट। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे सेक्शन बात कॉइन की पर। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, ये काफी फेमस कॉइन है जो कि ज्यादा पॉपुलर हुआ था मार्केट में एक मीम के बाद। डॉज कॉइन, जिसे क्रिएट किया गया था सिर्फ एक मीम के ऊपर जो कि डॉज पर बनाई गई थी। इसका जो लोगो है उसमें भी हम देख सकते हैं कि एक शिबा इनू डॉग को फीचर किया गया है, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये सीरियसली सिर्फ एक मीम पर बनाया गया है। ये इतना पॉपुलर इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसे यंगर डेमोग्राफिक को मैच करने के लिए भी बनाया गया था। ये एक पीयर टू पीयर ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप इजीली कभी भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इजीली। तो ये जो डॉज कॉइन है, इसे क्रिएट करने के पीछे यही मकसद था कि एक फन लाइट हार्टेड क्रिप्टो करेंसी बनाई जाए लोगों के लिए, क्योंकि ये एक मीम बेस्ड है। अगर हम देखें तो टाइम टू टाइम टेस्ला के सीईओ जो है इलॉन मस्क, वो भी इसके ऊपर ट्वीट करते रहते हैं और कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट कॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी मुझे बहुत पसंद है, मैं इस क्रिप्टो करेंसी का सीईओ हूँ। इस तरह के फन और लाइट हार्टेड जोक्स वो भी करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका जो मार्केट रैंक है वो नंबर 48 पर है, जो कि काफ़ी अच्छा है आउट ऑफ टॉप 100। तो इसका अगर हम बात करें माइनिंग की, तो माइनिंग किस तरह से की जाए। डॉज कॉइन की जो माइनिंग है वो आप सोलो, ग्रुप में या माइनिंग पूल में कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्लस आप इसकी जो माइनिंग है वो विंडोज, मैक, iOS पर या फिर इजीली लिनक्स पर कर सकते हैं किसी भी GPU के साथ। इस पर कोई भी ऐसा स्ट्रेन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक जो है इसके लिए डिवाइस चाहिए, जिस तरह की बड़े कॉइन जैसे बिटकॉइन पर जरूरत होती है कि आप ASIC बेस्ड एक डिवाइस खरीदें जिससे आप माइनिंग कर सकें। तो ये काफ़ी फन और लाइट हार्टेड क्रिप्टो करेंसी बनकर सामने आया, लोगों ने भी इसे काफ़ी सारा प्यार दिया। अगर हम बात करें इसके क्रिएटर की, तो इसके क्रिएटर जो है उनका नाम है बिली मार्कस। तो बिली मार्कस जो है वो IBM के साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं। उनका मेन एम यही था कि वो एक ऐसी फन क्रिप्टो करेंसी बनाएं जो कि लार्जर डेमोग्राफिक्स को रीच कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमारी जो जनरेशन है उन्हें मीम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा टच रहते हैं मीम्स के जरिए। आजकल की लेटेस्ट न्यूज़ भी इनको पता चलती है सिर्फ इन सोशल मीडिया के जरिए, मीम्स के जरिए। तो बस इसी तरह से उन्होंने सोचा कि वो इस लार्जर मास को टच करने के लिए, इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डॉज कॉइन जैसी एक क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करें। अगर आप चाहें कि आप इसे अर्न करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे अर्न कर सकते हैं। ये एक रिवॉर्ड की तरह आपको मिल जाएगा। कुछ साइट जो इसे सपोर्ट करती है वो इसे रिवॉर्ड की तरह आपको देंगी अगर आप कुछ टास्क पूरे करेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी टोटल सप्लाई की, तो इसकी टोटल सप्लाई 126 बिलियन डॉज की है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इतनी ही है, क्योंकि इसके जो डेमोग्राफिक्स है, जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं जो कि ये मीम की तरह इसे शेयर कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम हाई की, तो वैल्यू काफ़ी कम है 0.018 की, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ी है इसकी, क्योंकि इसने ये वैल्यू अभी जनवरी 2018 में ही टच की थी, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये अभी भी अपनी राइजिंग प्रोसेस में ही है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, $0.000085 की, काफ़ी कम वैल्यू है। ये भी इसने 2017 में टच की थी, जिससे हम ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ थोड़े ही टाइम में अपने ऑल टाइम हाई तक चली गई थी। देखने वाली बात है कि ये इस प्राइस मार्क को कैसे लीड करता है, ये किस तरह से अपना ऑल टाइम हाई टच करने वाला है, कितना टाइम इसे लगेगा। अगर हम इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात करें, तो डॉज कॉइन के बारे में वॉलेट इन्वेस्टर का कहना है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो नियरली $5 तक पहुंच सकती है इस साल या 2021 की एंडिंग तक। और अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राम की, तो उनका कहना है कि इसकी वैल्यू $0.011 तक पहुंच सकती है, या फिर इसकी जो वैल्यू है वो थोड़े टाइम में $0.21 तक पहुंच सकती है, जो कि 5 साल के टाइम फ्रेम के बाद होने वाला है। कहा नहीं जा सकता कि कौन सी प्रेडिक्शन सही है, लेकिन फिलहाल मार्केट इसके लिए पॉजिटिवली ही मूव कर रही है। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो।